हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि RRB, NTPC और SSC इस जैसे वन डे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राधा भाटिया की किस किताब को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन है खाना खजाना, मेरा खजाना, लसीज और नमकीन। आंसर है लसीज। इसमें हमारा क्या है, 17 ट्रेडिशनल फूड रेसिपी जो है उसको, इंडियन फूड रेसिपी जो है उसको इसमें जो बताया गया है। इसके साथ ही 57 रेसिपी सिर्फ लस्सी की है, जिसको है जो हमारा एक्सप्लेन किया कि किस तरह हर फ्रूट और नट्स मिला गया है जो लस्सी की हमारा है जो रेसिपी बनाई जा सकती है। अच्छा, इसे लिखे किसने, इसे लिखा है हमारा राधा भाटिया ने, भी हमने बात की थी। अगर अदर साउथर की हम बात करते हैं तो हमारा निरुपमा यादव, इन्होंने क्या किताब लिखी थी, इन्होंने लिखा था विशेष कोड टू विन। विजय कुमार चौधरी की बात करें तो इन्होंने लिखा था सियासत में सदस्यता, जिसे हमारे CM जो है, हमारे बिहार के CM, उन्होंने हमारा लॉन्च किया था, नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हमारा हो जाता। नेक्स्ट है डॉक्टर SJ शंकर, इन्होंने क्या किताब लिखी है, इन्होंने लिखा है द इंडियन वे, स्ट्रेटजीज ऑफ वे अनसर्टेन वर्ल्ड। फिर फैंग फैंग ने कौन सी किताब लिखी थी, इन्होंने लिखा था वुहान डायरीज, डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी। और यमी शाह ने कौन सा बुक लॉन्च किया था, इन्होंने लॉन्च किया था कर्म योद्धा ग्रंथ। ये याद रखिएगा, ये पूछा भी जा चुका है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में विश्व अंग दान दिवस कब मनाया गया, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया, 9 अगस्त को, 10 अगस्त को, 13 अगस्त को, 14 अगस्त को। आपका आंसर ये 13 अगस्त को हमारा है जो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हमारा सेलिब्रेट किया गया। अदर डेज की बात करें तो 3 अगस्त को क्या मनाया गया था हमारा, संस्कृत दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, 9 अगस्त को नागासाकी डे। ऐसे नागासाकी में जो हमारा जो बॉम्ब है जो गिराया गया था, एटम बॉम्ब, उसका नाम क्या था, फैट मैन। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 29 अगस्त को हमारा है नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली चेतन चौहान पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच फील्ड। चेतन चौहान का हाल ही में निधन हो गया, वो किस फील्ड को बिलोंग करते थे, वो राइटर थे, क्रिकेटर थे, सिंगर थे, एक्टर थे। तो हमारा देख सकते हैं आंसर है हमारा, वो क्रिकेटर थे। उन्होंने जो इंडिया के लिए 40 टेस्ट खेले थे, उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली थी, किसके लिए, दिल्ली के लिए और महाराष्ट्र के लिए, दो स्टेट के लिए खेली थी। और सुनील गावस्कर के साथ हमारे बहुत लंबे समय तक उन्होंने ओपनिंग की थी। ही रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट एंड ओडी मैचेस इन 1981 में उन्होंने जो रिटायरमेंट ली थी। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की और लोकसभा में जो जीते अमरोहा से दो बार 1991 में और 98 में। उसके बाद वो रिसेंटली जो UP विधानसभा में चुने गए थे, कहाँ से, नौगांव और सदत से, जो UP में है। और ये है जो आदित्य योगी, जो हमारे CM है योगी आदित्यनाथ UP के, उनकी गवर्नमेंट में हमारे जो मिनिस्टर के पोस्ट पे थे। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड येल्लो चेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। येल्लो चेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस राज्य की सरकार ने हमारा जो लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है नागालैंड, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। इसका आंसर है नागालैंड। तो नागालैंड की सरकार ने हमारा है जो येल्लो चेन हमारा है जो लॉन्च किया। अच्छा, ये येल्लो चेन होता क्या है, येल्लो चेन में हमारा क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारा जो सेलर है, बायर है, मतलब जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं। और जिन्हें मतलब जो जो सर्विस या प्रोडक्ट चाहिए वो वहाँ से मतलब खरीद सकते हैं या फिर वो सर्विस मतलब वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, नागालैंड की बात करें तो यहाँ का CM कौन है, यहाँ का CM है हमारे नेफ्यू रियो। और गवर्नर ऑफ नागालैंड कौन है, ये है हमारे RN रवि। फॉर्मेशन क्या, 1 दिसंबर 1963, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। और कैपिटल क्या है नागालैंड की, कैपिटल हमारी है कोहिमा। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की बात करें तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हमारा था हॉर्नबिन फेस्टिवल, ये बहुत बार पूछा गया है। और एक है मत्सुमोंग फेस्टिवल, नेशनल पार्क में है इन टांकी, ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे SSC के पूछे गए क्वेश्चन है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करें तो यह है फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पुल्ली बाड़जे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रंगा पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट। अच्छा, अगर हम नागालैंड के मैप की अगर हम बात करें तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री ये शेयर करता है म्यांमार के साथ, और स्टेट में हमारा है जो असम मणिपुर और ये नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश, 3 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अगले सत्र में खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा कौन से राज्य ने की है? किस राज्य की सरकार ने बोला है कि अपना बोर्ड ऑफ एजुकेशन वो है जो नेक्स्ट सेशन से हमारा है जो बनाएंगे? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरला। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि दिल्ली की सरकार ने है जो हमारा बोला है कि नेक्स्ट सेशन से वो अपना है जो एजुकेशन बोर्ड है जो बनाएंगे। जो दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के सीएम हमारे कौन है? दिल्ली के सीएम है हमारा अरविंद केजरीवाल और एलजी है हमारे यहाँ अनिल बैजल। अगेन हम देख सकते हैं कि एलजी हुए लेफ्टिनेंट जनरल। अच्छा, अगर करंट अफेयर की हम बात करते हैं दिल्ली की, तो हमारा रमेश पोखरियाल निशंक ने एक हमारा है जो क्रूजर नाम का जो लॉन्च किया है। ये क्रूजर है क्या? तो एक क्रूजर हमारा COVID-19 से लड़ने के लिए डायग्नोस्टिक किट बनाया गया है और ये हमारा डेवलप किया है IIT दिल्ली ने, ये याद रखिएगा। फिर मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, ये कहाँ लॉन्च किया गया था? ये भी हमारे दिल्ली में लॉन्च की थी। ये है क्या एक्चुअली में? ये डोर स्टेप डिलीवरी है राशन राशन की, ये इसके अंडर में। अच्छा, उसके बाद हमारा देखते हैं तो पावर मिनिस्टर जो हमारे हैं RK सिंह, इन्होंने क्या लॉन्च किया था? इन्होंने जो EV चार्जिंग प्लाजा जो लॉन्च किया था। EV हमारा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या जो चार्जिंग प्लाजा जो सबसे पहला हमारा कहाँ बना है? न्यू दिल्ली में हमारा हुआ है। अच्छा, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उबर के साथ हमारा जो हिम्मत प्लस ऐप हमारा लॉन्च किया था और एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस साल हमारा न्यू दिल्ली में हुआ है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि सुनील कुमार ने 27 साल के बाद हमारा है जो गोल्ड जीता है एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में। 1993 में हमारा पप्पू यादव जी ने जीता था और वो 48 कैटेगरी में होना जीता था। फिर हुनर हाट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, ये पूछा गया था। हुनर हाट हमारा है जो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। और वोमेन विथ व्हील्स, वोमेन विथ व्हील्स क्या है? इसमें क्या एक ऑल वोमेन सर्विस है दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा शुरू की गई है। इसमें सारे ड्राइवर से लेकर सारे ऑफिसर, बोलो जो बुकिंग काउंटर है, सारे के सारे जो वोमेन रहेगी। हम बात करते हैं दिल्ली के मैप की, तो दिल्ली के मैप की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा दो स्टेट के बीच में हमारा बाउंड्री शेयर करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ CRPF? CRPF के जो न्यू इंस्पेक्टर जनरल हमारा है जो रिसेंट में कौन बने? आपके ऑप्शन है PS रानिप से, आनंद प्रकाश महेश्वरी, हार्दिक सतीश चंद्रा और P प्रवीण सिद्धार्थ। तो क्लियरली इसका आंसर है PS रानिप से। तो ये जो हमारे 1995 के बैच के IPS ऑफिसर हैं, इन्होंने अपना करियर एडिशनल डायरेक्टर जनरल है जो विजिलेंस में हमारा उड़ीसा में शुरू किया था। फिर 2013 में IG और पुलिस हमारे बन गए थे। अच्छा, हेडक्वार्टर ऑफ CRPF की हम बात करें तो ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और मोटो ऑफ CRPF, मोटो पूछता है सर्विस एंड लॉयल्टी, स्पेशली हमारे जो भी SSC और रेलवे के एग्जाम्स में ये मोटो वगैरह पूछता है कि मोटो ऑफ CRPF क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी है। और फाउंडेशन क्या है? 1939, 27 जुलाई 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हाल ही में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम रखा गया? तो रिसेंटली इन विच स्टेट 2 फ्लाईओवर हैव बीन नेम्ड आफ्टर सुषमा स्वराज एंड अरुण जेटली? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में हमारा है जो इनके नाम पर 2 फ्लाईओवरों का नाम रखा गया। अच्छा, गुजरात की हम बात करते हैं तो अभी गुजरात में तमिलनाडु ने क्या किया है? तमिलनाडु ने ये फिश प्रोडक्शन में हमारा है जो ये गुजरात को है जो पीछे कर दिया। फिर फर्स्ट हनी टेस्टिंग लैब हमारा कहाँ बना था? फर्स्ट हनी टेस्टिंग लैब भी हमारा जो आनंद गुजरात में हमारा बना है। एक इनोग्रेट किसने ने किया था? इनोग्रेट हमारा किया था श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो हमारा करंट अफेयर की हम बात करें तो उम्बारे आंगनवाड़ी योजना है, ये कहाँ लॉन्च हुई? ये भी हमारा है जो गुजरात में लॉन्च हुई है। और एक वाटर कंजर्वेशन स्कीम है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये भी हमारा क्या है? गुजरात में लॉन्च किया गया है। फिर गुजरात पुलिस है जो भारत की पहली पुलिस है जिसने टीजर गन लॉन्च किया। टीजर गन में क्या होता है कि दो डॉट होते हैं, वो जाके सीधे है जो एक क्रिमिनल के बॉडी में लग जाते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। अच्छा, टीजर गन है जो गुजरात के अलावा और कहाँ किस स्टेट की गवर्नमेंट ने हमारा है जो यूज कर रही है? तो UP गवर्नमेंट भी हमारा है जो टीजर गन यूज कर रही है अब। अच्छा, सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन की हम बात करते हैं तो इसमें हमारा गुजरात है जो टॉप पर है सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में। 88 COP, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म है।
कन्वेंशन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, ये हमारा कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, ये भी हमारा गुजरात में हुआ था। फिर ये देखिए SSC का क्वेश्चन है कि माधवपुर मेला, माधवपुर मेला है जो कहाँ मनाया गया था, तो गुजरात में मनाया गया था। इसमें किसकी पूजा की जाती है, तो इसमें लॉर्ड कृष्णा एंड उनकी जो पत्नी है रुक्मिणी, उनकी पूजा की जाती है। और एक है जो ये फेस्टिवल देखिए बार बार पूछा गया था नाम बदल कर कि मकर संक्रांति, इसी का दूसरा नाम क्या, उत्तरायण नाम, इसका दूसरा नाम उत्तरायण है। ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे तो ये ऑल ओवर इंडिया में मनाते हैं पर मेनली ये गुजरात का फेस्टिवल। अच्छा गुजरात के हम मैप की बात करते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि अपनी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है जो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, और स्टेट में अगर हम बात करें तो राजस्थान, MP, राजस्थान हो गया, MP हमारा हो गया, और ये हमारा महाराष्ट्र के साथ अपनी है जो बाउंड्री शेयर कर रहा है। अच्छा गुजरात के स्टैटिक की हम बात करते हैं तो हमारे कैपिटल कहाँ है, गुजरात का कैपिटल हमारा है गांधीनगर, यहाँ का CM है विजय रमणीक लाल रूपानी, गवर्नर हमारा कौन है, गवर्नर हमारा आचार्य देवव्रत है। टोटल अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट की बात करें तो 182 है, लोअर हाउस में 26 सीट है और अपर हाउस राज्यसभा में 11 सीट है। टोटल डिस्ट्रिक्ट हमारे हो गए 33। टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो सोमनाथ टेम्पल, ये इम्पोर्टेंट है, सोमनाथ टेम्पल पूछा जाता है। सोमनाथ टेम्पल हमारा सौराष्ट्र में है, ये गुजरात में, और एक है हमारा द्वारकाधीश श्री कृष्ण का जो टेम्पल है वो हमारा द्वारका में। इम्पोर्टेंट लेक की बात करें तो हमारा सूर सागर, याद रखिएगा सूर सागर लेक, लखोटा, कनकारिया, हमीरसर, ये सिला लेक भी हमारा है जो हमारा पड़ता है गुजरात में। डैम में हमारा सरदार सरोवर डैम, ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया। और एक उकाई डैम, उकाई डैम हमारा ताप्ती रिवर पे है, और एक है कडाना डैम जो कि हमारा माही रिवर पे है। इसमें से उकाई डैम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उकाई डैम बहुत बार पूछा गया। फोक डांस की अगर हम बात करें तो मेन है गरबा और डांडिया रास, ये दो है जो पूछा जाता है। बाकी इसके अलावा एक टिप्पणी है, एक पाढर डांस भी है, ये भी हमारा है जो गुजरात का फोक डांस है। पोर्ट की बात करें तो हमारा कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट हमारा कहाँ है, ये हमारा गुजरात में है। और नेशनल पार्क की हम बात करें तो दो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, एक हमारा गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और एक हमारा है मैरिन नेशनल पार्क। इसके अलावा हमारा है जो एक ब्लैक बक नेशनल पार्क भी है। अच्छा न्यूक्लियर प्लांट की हम बात करते हैं तो हमारा काकरा पारा अटोमिक पावर स्टेशन, ये हमारा पूछा भी गया, कोल इंडिया के एग्जाम में भी आया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करें तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी है और इंडियन वाइल्ड ए सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड एन एनवायरमेंटल इमरजेंसी एंड ऑयल स्पिल फ्रॉम ग्राउंड शिप, तो किस देश के हाल ही में ज़मीन के जहाज़ों से तेल फैलने पर पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की। ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, इंडिया या मॉरिशस। क्लियरली देख सकते हैं ये हमारा मॉरिशस में डिक्लेयर किया है। अच्छा इसमें हुआ क्या था, ये जो हमारा है जो जितने भी जहाज हमारे पोर्ट पर रहते हैं उनसे जो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम हुआ है। बात करते हैं मॉरिशस की तो हमारा इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल हमारा है पोर्ट लुइस, प्रेसिडेंट है पृथ्वी राय जयसिंह रोपन और हमारा प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण जगन्नाथ, ये याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया। और करेंसी है मॉरिशिया रुपया। अच्छा यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन किसने किया था, उसका इनॉग्रेशन हमारा नरेंद्र मोदी और वहाँ के जो PM मॉरिशस के प्रवीण जगन्नाथ, उन्होंने मिलकर किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अच्छा हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन जो हमारा क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाला सबसे पहला कंट्री बना है, ये याद रखिएगा, ये जरूर पूछा जाएगा। और ये हमारा देख सकते हैं कि लली है जो ये आइसोलेटेड आइलैंड है, ये हमारा है जो मॉरिशस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। आपके ऑप्शन है राकेश अस्थाना, SS देसवाल, आनंद प्रकाश महेश्वरी, राजीव राय भटनागर। क्लियरली आंसर है आपका राकेश अस्थाना, ये हमारा है जो नए DG बने हैं। अच्छा अगर हम इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो किस ईयर में हमारा बना है, तो ये 1965 में बना है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली। और मोटो याद रखिएगा, मोटो हमारा है जो पूछा जाता है, मोटो है हमारा ड्यूटी एंड टू डेथ। SS देसवाल क्या बने, ये हमारा है जो DG बने हैं ITBP के। आनंद प्रकाश महेश्वरी ये DG बने हैं CRPF के। और राजीव राय भटनागर ये जो है हमारा एडवाइजर बने थे किनके, GC मुर्मू के, जब ये हमारा है जो LG ऑफ कश्मीर थे, पर अभी GC मुर्मू क्या है, कैग ऑफ इंडिया बन गए हैं। और LG ऑफ कश्मीर कौन है, ये हमारे बने हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉप्स द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स रिलीज्ड
मोस्ट एक्सपेंसिव एक्टर ऑफ द ईयर 2020, फोर्स के द्वारा जारी किए गए 2020 के सबसे महंगे एक्टर कौन बन गए? तो आपके ऑप्शन है डायन जोन्स, रैन रोनल्ड्स, मार्क वॉलबर्ग, अक्षय कुमार। क्लियरली हम देख सकते हैं डायन जोन्स जॉनसन हमारा है जो जो हाईएस्ट पेड है जो एक्टर हमारे बन चुके हैं। इनकी इनकम है $87.5 million और हमारा है जो ये एक ब्रांडेड पोस्ट का 7.5 करोड़ चार्ज करते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे इनके 189 million हमारा है जो फॉलोवर है। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे रैन रोनल्ड्स है और मार्क वॉलबर्ग हमारे थर्ड नंबर पे। आज इंडिया से टॉप 10 में सिर्फ एक अक्षय कुमार जो कि 6th पोजीशन पे है। इनकी एनुअल इनकम है $48.5 million। जब फोर्ब्स क्या है? फोर्ब्स एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1917 में हुआ था और एडिटर इन चीफ हैं स्टीव फोर्ब्स। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया करके हमें सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।